अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज का जो मेकअप है वो स्कूल गर्ल्स जो लड़कियां हैं उनके लिए है। और जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे अपने स्कूल के जो डेज थे वो याद आ गए कि कैसे हम तैयार होते थे। तो मैंने सोचा मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। तो ये है मेरा मेकअप, तो आइए चल के देखते हैं कि मैंने मेकअप कैसे किया। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जी तो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस पे रोज़ वाटर का जो है वो स्प्रे करूँगी, इससे जो है मेरा फेस पे ग्लो आएगी। जी तो यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ करूँगी, इससे मेरे पोर्स जो है वो बड़े अच्छे से फिल हो जाते हैं और जो बेस है बड़े अच्छे से सेट हो जाती है, ओवर नहीं लगती। और जो केकी से फेस आपका हो जाता है बेस लगाने से वो नहीं होता, तो मैं इसको मस्ट यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं अपना जो फेस है वो रेडी करूँगी लैकमे की स्टिक के साथ। ये फेयर शेड है, इसको मैं अपने पूरे फेस पे जो है अप्लाई कर लूँगी। जी जहाँ पे मुझे ज़्यादा लगेगा कि मुझे रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे मैं दोबारा से इसको कोट लगा लूँगी। यहाँ पे मैं एक वेट स्पंज जो है वो ले रही हूँ, उसकी मदद से मैं अपने फेस पे जो है इसको स्प्रेड कर दूँगी और हल्के हाथों से मैं बेस बनाऊँगी। क्योंकि जितना टाइम आप मेकअप करने पे लगाते हैं बेस सेट करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया करें। इससे ये है, एक तो आपके अच्छे से बेस सेट हो जाएगी, दूसरा ये कि आपकी जो लॉन्ग लास्टिंग इसी वजह से ही होता है कि आप टैप टैप करके अगर इसको बेस बनाएंगी। तो यहाँ पे मैं बेस बना ली है मैंने अपनी। जी तो जहाँ पे मुझे थोड़ा लगे कि यहाँ पे मुझे और चाहिए तो मैं वहाँ पे बेस और ले लेती हूँ। आँखों पे भी मैं यही जो है स्टिक इसी को यूज़ कर लिया, कोई कंसीलर नहीं यूज़ करूँगी और इसी से ही मेकअप जो है वो सिंपल सा कर लेंगे हम लोग। जी तो फेस पाउडर अप्लाई करूँगी। फेस पाउडर से आपकी जो बेस है वो बड़े अच्छे से सेट हो जाती है। फेयर शेड में ये फेस पाउडर है और आपने वेट स्पंज नहीं लेना, सादे स्पंज के साथ आपने इसको सेट करना है। आईज पे भी मैं इसी के साथ ही सेट कर लूँगी। जी तो ये हमारा जो फेस है ये रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्राउन पेंसिल, इससे मैं अपने आईब्रो की है शेप दूँगी। जी तो ये मैंने अपने आईब्रो को शेप जो है वो दे दी है। थोड़ा ब्राउन कलर है इसलिए मैंने डबल शेड लगाई कि थोड़ा सा दोबारा इसलिए लगाया कि थोड़ा मुझे डार्क चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसको डबल कर लिया कलर में। अब हम यहाँ पे ऑरेंज कलर लेंगे, उसको अपनी क्रीज लाइन पे लगाएंगे। इसको लाइट सा लगाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम। जी यहाँ से आपने हल्का सा इसको विंग दे देना। जी ये हमारे क्रीज लाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको अगर आप हल्के हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। और आईज़ के कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है और आईज़ के स्टार्ट तक आपने इसको लेके जाना है। उसके बाद मैं अपने एक पैलेट में से शाइन कलर में, गोल्डन कलर है ये,
वो अपने आईज पे जो है वो लगाऊंगी जी, क्योंकि कॉलेज से जो सॉरी स्कूल जाने वाली और कॉलेज जाने वाली लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा लाइट मेकअप जो है वो ही अच्छा लगता है, और डार्क कलर्स जो हैं वो इतने सूट नहीं करते जी। तो ये गोल्डन कलर जो है, ये शाइन में गोल्डन कलर है, इसको मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं गोल्डन कलर में ग्लिटर जो है इसको अपने आईब्रो के नीचे लगाऊंगी और बड़े अच्छी शाइन आएगी, इससे आपका आई मेकअप जो है वो निखरता है और प्यारा लगता है इससे आपका आई मेकअप। जी तो ये मैंने लगा लिया है, अब लाइनर अप्लाई करूँगी। एंड से हम पहले इसको हल्का सा विंग बना लेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको अपने आईज के स्टार्ट में ले जाएंगे जी। ये देखिए मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ यहाँ पे। हमारा आईलाइनर जो है वो तकरीबन लग चुका है जी, ये देखें आईलाइनर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब काजल की बारी है। जी मस्कारा अप्लाई करूँगी, यहाँ पे आप कोई सा भी मस्कारा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी लगेंगी और आपको आई लैशेज जो हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने पैलेट से मैं एक ब्लू कलर लूँगी जी, इसको अपने आईज के नीचे लगाऊंगी, क्योंकि मेरे ड्रेस पे ब्लू जो है फ्लावर्स थे तो मैंने सोचा कि ये लगाती हूँ अच्छा लगेगा। तो आप भी मुझे बताइएगा कि कैसा लगा जी। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है, इसको अब मैं डार्क कर रही हूँ थोड़ा जी। ये अप्लाई हो गया है, अब मैं लिप्स की शेप दूंगी जी। आउटलाइन जो है वो मैं मस्ट यूज़ करती हूँ, इससे होंठों की शेप जो है वो बड़े अच्छे से बन जाती है और लिपस्टिक जो है वो बड़ी प्यारी लगती है लगी हुई जी। यहाँ पे मैं जो है वो अपने होंठों को थोड़ा सा बाम भी लगा रही हूँ, थोड़े ड्राई लग रहे थे तो इसलिए मैंने बाम जो है वो यूज़ कर ली। जी तो अब मैं लिपस्टिक का जो है वो ऑरेंज शेड जो है वो लगा रही हूँ जी। तो यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ और जो हमारी लिपस्टिक है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है वो मैं ब्लश लगाऊंगी, ना पिंक लगाऊंगी ना ऑरेंज लगाऊंगी ब्लश, क्योंकि इससे फिर हमारा सारा मेकअप जो है वो ऑरेंज और गोल्डन ही हो जाएगा। तो मैंने डिफरेंट कलर लिया है अपने पैलेट में से, उसको अपने जो चीक्स हैं उस पर लगा रही हूँ जी।
आप जो है हाइलाइटर जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था वही हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी अपने नोज़ पे, अपने चीक्स पे। इससे मेकअप में एक ग्लो सा आ जाता है। जी तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। जी आप मुझे मैसेज में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।